सर्दियाँ और मटर दोनों का वेलकम हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है, सर्दियों में लोग मटर खाना बेहद पसंद करते हैं। मटर से कई तरह के डिशेस बनाई जा सकती हैं। मटर के डिशेस खाने में जितनी टेस्टी और लाजवाब होती है, उतने ही इसके हेल्थ बेनिफिट होते हैं। मटर में फाइबर की मात्रा पाई जाती है और इसके अंदर कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। अगर आप मटर की सब्जी खाकर बोर हो चुके हैं तो चलिए हम बनाते हैं मटर का निमोना। तो निमोना बनाने के लिए यहाँ पर मैं मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरी धनिया। इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इसमें एक टमाटर भी मैंने ऐड किया है फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम मटर को भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। यहाँ पर मैं चॉपर की मदद से उसे दरदरा पीस लूँगी और पीसने के बाद मैं मटर को तेल में अच्छे से फ्राई करूँगी। यहाँ पर मटर को हमने अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया है और अब हम इसी तेल में जीरा और आलू डालकर उसे भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा था कि कढ़ाई मेरी थोड़ी जल रही थी, तो मैंने फिर से इसे बदल कर अच्छे से वॉश करके मैंने यूज़ किया है। आप ये गलती ना करिएगा। तो यहाँ पर मैंने आलू को फ्राई कर लिया है जीरा और तेज़पत्ता के साथ। अब मैं पिसा हुआ मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था वो इसमें डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। हम मसाले को ढककर भी पका लेंगे और यहाँ पर मैं एकदम बेसिक सा मसाला डालूंगी, जिसमें मैंने सिर्फ नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर डाला है। और आप चाहे तो लाल मिर्ची स्किप कर सकते हैं। हम मसाले को अच्छे से सौते कर लेंगे और थोड़ा ढककर पका लेंगे। अब मसाला यहाँ पर अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मटर, जो कि हमने पीस कर तेल में अच्छे से भून लिया था, और थोड़ी सी खड़ी मटर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाकर ढक्कन लगाकर पका लेंगे। और पकाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा जो मसाले वाला पानी होता है वो ऐड करूँगी, ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। अब आई इसमें पानी डालने की बारी। तो इसमें हम डालेंगे लगभग वही मसाले वाला पानी जो मैंने मिक्सी में रखा है। तो आधा जार होगा पानी शायद, यानी कि 500 ml जितना इसमें हम पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद ढक्कन लगाकर हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेडी है हमारा निमोना। ये एकदम अच्छे से कुक हो चुका है। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। देखिए इसका कलर, टेक्सचर कितना अच्छा आया है। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही देसी और घरेलू रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खाओ पियो मज़े करो।